हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ फॉर्मूला जिसको आपको लर्न करने के लिए मैंने कहा था। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। कुछ हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे वो लर्न हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर हमारा लास्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, जिसमें हमने कुछ एसिड की बात की थी, उसके स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एसिड, वीक एसिड, उसके बाद कुछ बेस की बात की थी जिसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, उसके कुछ अलग अलग टाइप के हमने फॉर्मूला देखे थे। तो वो फॉर्मूला आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, वो आगे हमारे बहुत काम आएंगे। आप डेली उन फॉर्मूला को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, धीरे धीरे आपको वो याद हो जाएंगे। फिर हमने डिस्कस किया था सॉल्ट। सॉल्ट की हमने बात की थी कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर। फिर डिफरेंट टाइप के हमने सॉल्ट देखे थे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं वीक एसिड वीक बेस के साथ, फिर वीक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इस तरह से हमने वो फोर टाइप के हमने डिस्कस किए थे सॉल्ट। तो वो सॉल्ट के फॉर्मूला भी आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए, उसमें कोई भी आपको स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरेनियस थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट आए थे, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिन्होंने डिफाइन किया था एसिड और बेस को, कि किसको हम एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे, किसको हम बेस के अंदर कंसीडर करेंगे, किसको हम एसिड कहेंगे, किसको हम बेस कहेंगे। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो थ्योरी के अंदर तीन थ्योरी हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली थ्योरी है वो है आरेनियस की थ्योरी, सेकंड है ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी, और थर्ड है लुइस कंसेप्ट। ये तीन थ्योरी आपके कोर्स के अंदर है, इनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आरेनियस थ्योरी, कि आरेनियस ने क्या कहा था, किसको एसिड कहा था, किसको बेस कहा था। तो आरेनियस ने देखो बच्चों क्या कहा था, आरेनियस ने कहा कि जो सब्सटेंस वाटर के अंदर H+ आयन डोनेट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जो सब्सटेंस वाटर के अंदर H+ आयन डोनेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड, और जो OH- आयन डोनेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बेस। तो ध्यान से देखिएगा, थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, यहां से हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, आराम से समझना, स्टार्ट करते हैं। आरेनियस थ्योरी, साइंटिस्ट का नेम है आरेनियस, ठीक है, आरेनियस एक साइंटिस्ट का नेम है। इसने एक थ्योरी दी थी एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। इन्होंने क्या बोला कि जो सब्सटेंस या जो कंपाउंड वाटर के अंदर H+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोजन आयन, सिंपल इसको H+ आयन बोलते हैं, और पूरा अगर नाम बोलो तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन आयन। कि जो वाटर के अंदर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड, और जो OH- आयन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये कहा था आरेनियस ने, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें लैंग्वेज को समझना है। यहां पर देखिए कि मेरे पास ये एसिड है HCl, ये क्या है, एसिड है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसका नाम पूछे आपसे क्या बोलोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये एसिड है HCl। इसको मैं क्या करूंगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, वाटर के अंदर इसको मिला दूंगा। तो जब हम ऐसी रिएक्शन कराते हैं जिसमें हमने कोई सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो सब्सटेंस को जो राइट करने का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, HCl+H2O, इसको हम लिख देंगे इस तरह से HCl, उसके नीचे ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, एक्वस, AQ। एक्वस का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है ये HCl है, चाहे कुछ भी हो यहां पर, वो वाटर के अंदर घुला हुआ है, वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हुआ हुआ है। यहाँ पर लिखने का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे AQ, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है यहाँ बाहर जो लिखा हुआ है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिखेंगे, HCl aqueous, क्लियर। तो बार बार आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ आएगा, इसलिए मैंने आप पहले ही आपको समझा दिया है कि इसका मतलब क्या होगा, कि जो सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको समझने की, आरेनियस थ्योरी को।
तो आरेनियस ने क्या कहा, वापिस से एक बार रिपीट करते हैं कि जो H+ यानी हाइड्रोजन आयन देगा वाटर के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे एसिड, और जो OH- आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे बेस। ये सिंपल सी थ्योरी उसने दी थी आरेनियस ने। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मैंने लिया एसिड, अभी मैं किसके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एसिड के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं HCl, इसका नाम पूछे वापिस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने लगा दिया एक्वस, इसका मतलब ये वाटर के अंदर डिजोल्व है। अब जब वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो ये दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा। अब इससे आपने पूछे कि इसके अंदर कितने एटम है, कितने टाइप्स के एटम है, तो बोलेंगे टू टाइप्स के एटम है। एक एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम है क्लोरिन का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एक एटम किसका है हाइड्रोजन का और एक एटम है क्लोरिन का। तो जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मतलब ये आयंस के अंदर टूट जाएगा। आयंस के अंदर टूटेगा तो एक आयन हमें यहां पर मिलेगा H+ और एक आयन हमें यहां पर मिलेगा Cl-। क्या मिलेगा? एक आयन मिलेगा H+ क्योंकि इसके अंदर दो एटम है, तो H अलग हो गया और Cl अलग हो गया। H पर हमेशा चार्ज है वो प्लस का आएगा। अब ये क्यों आएगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। H पर चार्ज प्लस का आएगा और Cl पर चार्ज आएगा इसका अपोजिट। तो यहाँ पर प्लस है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, माइनस। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल। इस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, ना तो प्लस है ना ही माइनस है। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पर प्लस है उतना का यहाँ पर माइनस है। दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा या एक कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होगा HCl। ये टूटेगा तो हमें ये मिलेंगे H+ और Cl-। अब इसने क्या कहा कि H+ देगा तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड। तो एसिड बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिला है H+, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं HNO3, इसके भी आगे मैं ब्रैकेट में क्या लगा दूंगा, एक्वस, AQ। ठीक है, इसका मतलब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है। अब इसका नाम क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या नाम होता है इसका, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब इसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो फिर ये टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होगा तो हमें क्या देगा, एक तो देगा H+ और पीछे क्या बच गया, HNO3 है, इसमें से ये निकल गया बाहर, H+ बाहर निकल गया, पीछे क्या बच गया, NO3। ठीक है, इस पर चार्ज क्या है, प्लस, तो इसका अपोजिट यहां पर आएगा, क्या आएगा यहां पर, माइनस। समझ आ रहा है? तो ये हो गया H+ और NO3-। वापस देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला है, H+ मिला, इसका मतलब ये एसिड है कि बेस है, एसिड है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया H2SO4, H2SO4 ये भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म के अंदर है। H2SO4 लिया तो यहाँ पर कितने H है, बोलेंगे 2H है। कितने H है, 2H है, तो यहाँ पर H+ कितने मिलेंगे हमको, 2H+ मिलेंगे। कितने H+ मिलेंगे, 2H+ मिलेंगे। प्लस यहां से 2H निकल गए, पीछे क्या बच गया, ये वाला SO4, SO4। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको बराबर बैलेंस करना है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1H पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1। ठीक है, H पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 1 प्लस है, तो यहां पर कितने H है, 2H है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2। तो प्लस का 2 यहां है, तो इधर कितना आएगा, माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस 2। तो SO4 माइनस 2, यहां पर हम ये सर्कल नहीं बनाएंगे, यह सीधा लिखा जाता है माइनस 2। ठीक है, SO4 माइनस 2। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3COOH, ये भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। इसका नाम पूछे क्या होगा, इसका नाम एसिटिक एसिड, लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, इसीलिए वहां पर डिस्कस कराया था कि बार बार आपको बताना होना पड़े। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, फिर ये आयनाइज होगा। अब यहां पर जो H निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ये वाला निकलेगा, तो यहां पर H निकलेंगे तो H प्लस प्लस, पीछे क्या बच गया, ये पूरा कंपाउंड बच गया। इस पूरे कंपाउंड क्या होगा, ये CH3COO। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। कितने माइनस आएंगे, एक ही माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि H+ कितना है, एक ही है, तो एक H+ है तो एक H, एक हमारे पास माइनस आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, वो है आपका H2CO3। मैं यहां पर राइट कर रहा हूं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं,
H2CO3। इसका जो नेम होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। अब ये होता है वीक एसिड होता है। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड है। तो इसमें जो दो एच है वो दो के दो एच बाहर नहीं निकलेंगे। इसमें कितना एच निकलेगा? एक एच निकलेगा। जैसे यहां पर कितने निकले थे? टू एच निकले थे। लेकिन यहां पर टू एच नहीं निकलेगा, यहां पर कितना एच निकलेगा? एक एच ही निकलेगा। वन एच प्लस, पीछे क्या बच गया? एक एच और सीओ थ्री। तो एच सीओ थ्री, यहां पर चार्ज क्या आएगा? माइनस वन की प्लस वन की माइनस टू। क्या चार्ज आएगा यहां पर? माइनस, ठीक है। माइनस लिखने का मतलब माइनस वन है, प्लस लिखने का मतलब प्लस वन है, ठीक है। अगर यहां पर यू होता तो हम क्या लिखते? प्लस टू। जैसे यहां पर ये होता है, ठीक है। अगर टू होगा तो हम प्लस टू लिखेंगे, लेकिन अगर केवल वन है तो हम केवल वन ही लिखेंगे। उसके आगे वन ऐसे नहीं लिखेंगे, एन ए प्लस वन, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा रहता। सीधा हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। इसका मतलब एक चार्ज को बता रहा है। क्लियर? तो सब में देखो क्या मिल रहा है, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस आयन। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एसिड। सारे के सारे क्या हो गए? एसिड। तो आरएनएस ने क्या कहा? जो एच प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। और जो OH माइनस आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो ये सारे के सारे हमें क्या दे रहे हैं? एच प्लस आयन दे रहे हैं। सारे के सारे हमें क्या दे रहे हैं? एच प्लस आयन। इसलिए सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एसिड। तो ये तो हो गए एसिड के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं बेस के एग्जाम्पल की। तो इसको रफ कर देते हैं। बेस के एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से। सबसे पहले आपको बेस का नाम पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं। अब देखिए बेस, सबसे पहला आता है हमारे पास NaOH, NaOH। आगे मैंने लगा दिया एक्वस, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? एक्वस, ठीक है। तो NaOH ये क्या होता है? बेस होता है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसको एक्वस यानी वाटर के अंदर जैसे डिजोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मतलब टूट जाएगा। तो टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक मिलेगा Na प्लस और एक मिलेगा हमें OH माइनस। Na प्लस और एक मिलेगा OH माइनस। अब Na है वो एक एटम है, इसका नाम क्या है? सोडियम। और ये आयन है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये हो गया सोडियम आयन और ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। जिस पर भी चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयन। जिस पर भी चार्ज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आयन। तो ये हो गया सोडियम का आयन और ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है? OH माइनस आयन मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एसिड है कि बेस है? बेस है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिया मैंने KOH एक्वस फॉर्म के अंदर। अब यहां पर भी आप एक्वस लगा सकते हो क्योंकि जो भी हमें मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा? वाटर के अंदर मिलेगा। पीछे भी आप एक्वस लगा सकते हो, सब में जो भी मिलेगा वो किसमें मिलेगा? वाटर के अंदर मिलने वाला है। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पूरा नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा? के प्लस और OH माइनस, ठीक है, K प्लस और OH माइनस। अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है? देखो OH माइनस आयन मिल रहा है। तो आरएनएस ने क्या कहा? जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड है और जो OH माइनस आयन डोनेट करेगा वो बेस है। इसका मतलब ये क्या है? एसिड की बेस, बेस, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया MgOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलेंगे? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका मतलब OH के मॉलिक्यूल कितने हैं? टू हैं। कितने हैं? टू हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा? ये देगा Mg प्लस टू प्लस OH, ठीक है। अब यहां पे OH कितने देखो? टू है, तो यहां बाहर लगाएंगे टू। इसको बैलेंस करो, चार्ज को बैलेंस करो। यहां पर चार्ज कितना होता है? प्लस टू। और OH पर चार्ज कितना होता है? माइनस वन। तो यहां पर कितने OH हैं? टू OH हैं। तो चार्ज बैलेंस हो गया,
ठीक है, यहाँ पर माइनस टू मत कर देना, क्योंकि माइनस टू करोगे तो माइनस टू मल्टीप्लाई टू करोगे तो माइनस फोर हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, माइनस टू प्लस टू, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। वापिस हमें क्या मिल रहा है, OH आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड के बेस बेस। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, OH माइनस, ठीक है, कितने OH देंगे, एक की दो दो देगा, तो 2OH माइनस, ठीक है। यहां पर टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस का 2, एक OH पर माइनस 1, तो 2OH पर टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस 2, तो माइनस 2 है, तो यहां पर कैल्शियम पर कितना आएगा, प्लस 1 प्लस 2 या माइनस 2, प्लस 2, अपोजिट चार्ज आएगा हमेशा, ठीक है, प्लस 2, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस, यहां माइनस 2 है तो यहां प्लस 2, यहां माइनस 2 यहां प्लस 2, यहां माइनस 1 यहां प्लस 1, यहां माइनस 1 यहां प्लस 1, अपोजिट आएगा। फाइव नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, फाइव नंबर में आप ले लो NH4OH, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आयोनाइज होगा तो हमें क्या देगा, OH माइनस और NH4, ठीक है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो OH माइनस और NH4, OH पर चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, जैसे H पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव आता है उसी तरह OH पर चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा, तो OH अलग हो गया और NH4 अलग हो गया, इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस 1 प्लस 2 या माइनस 2, प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर टोटल चार्ज कितना है, माइनस 1, तो इधर आएगा प्लस 1। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल हैं जो बेस के एग्जांपल हैं, सबके सब क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको किसमें कंसिडर करेंगे, बेस के अंदर कंसिडर करेंगे। फिर आरएनएस ने यहां पर जैसे इसको डिस्क्राइब किया, इसको एक्सप्लेन किया कि जो एस प्लस देगा वो एसिड होगा और जो OH माइनस आयन देगा वो बेस होगा, इसी के साथ में उसने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को भी साथ साथ डिफाइन कर दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे। तो उसने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, क्या बोला उसने कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं या दो सब्सटेंस हु आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, देन वी विल कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को उसने क्या बोला कि जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जैसे मैंने लिया HCl, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, मैंने क्या लिया HCl, इसके मान लीजिए मैंने लिए 100 मॉलिक्यूल लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए, 100 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए HCl के और उसको वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, एक्वस लगा दिया आगे, इसका मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व है। जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो ये क्या होगा, आयोनाइज होगा, आयोनाइज मतलब टूटेगा, ठीक है, तो टूटेगा तो वापस हमें क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस, सही है, H प्लस और Cl माइनस। तो जब आपने H प्लस को काउंट किया तो H प्लस आपके पास कितना आए, 100, कितना है 100। जब कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, जो सब्सटेंस हमने लिया है वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर ये क्या है, एसिड है, क्यों, क्योंकि हमें H प्लस दे रहा है इसलिए एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कैसे पता चलेगा, तो हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, हमें H प्लस भी कितने मिले, 100 मिले, यानी पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लिखाए थे, उसमें देखिए HCl मैंने कहां लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट में लिखा है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये 100 इसके मॉलिक्यूल लेंगे या कितने भी मॉलिक्यूल ले लो आप, इसके जितने भी H+ हैं वो बराबर मिलेंगे आपको, आपने 100 मॉलिक्यूल लिए तो H+ आपको कितने मिलेंगे, 100, 99 भी नहीं मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे। आपने 200 लिए तो H+ आपको कितने मिलेंगे, 200, ठीक है, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। इसी तरह यहां पर बात कर लेते हैं, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, अब बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, तो सेम बात, जो क्या हो कंप्लीटली आयोनाइज हो,
तो यहां पर मैंने लिया NaOH, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, एक्वस क्या देगा Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, यहां पर सेम बात, मैंने कितने लूंगा मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, 100 मॉलिक्यूल लूंगा। तो यहां पर मुझे सोडियम के कितने मिलेंगे 100, OH के आयन कितने मिलेंगे 100। तो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, इसलिए ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप पीछे कॉपी के अंदर देखो, लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिखाया था, उसके अंदर एग्जांपल क्या लिखाए थे, NaOH KOH, है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होंगे। अब इसी तरह बात करें वीक एसिड और वीक बेस, तो वीक एसिड और वीक बेस में क्या बोलेंगे, पार्शियली आयनाइज्ड वीक एसिड, और ये हो गया हमारा वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस में इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली आयनाइज्ड। ठीक है, इसके एग्जांपल दूसरे हो जाएंगे, इसके एग्जांपल क्या होंगे, मैंने लिया CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। बार बार मैं आपसे पूछता जाऊंगा ना कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तब आपको धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको जब हम आयनाइज करेंगे वाटर के अंदर, मैंने लिया एक्वस, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया, आयनाइज हुआ, तो ये क्या देगा, एच प्लस और CH3COOH। क्लियर, जो पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी। अब मैं इसके वापिस से सेम 100 क्या ले रहा हूं, मॉलिक्यूल ले रहा हूं, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि हमें H+ कितने मिले, तो H+ हमें मान लीजिए हमें मिले 60 मॉलिक्यूल्स ही क्या मिले, H+ मिले। ठीक है, तो मैंने लिया कितना 100 और H+ मुझे कितने मिले 60 मॉलिक्यूल्स ही, यानी ये पूरा है वो आयनाइज्ड नहीं हुआ, 100% आयनाइज्ड नहीं हुआ, 60% ही आयनाइज्ड हुआ। तो पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वीक एसिड। अब वीक एसिड का आप एग्जांपल देख सकते हैं, पीछे मैंने कॉपी के अंदर लिखाया था CH3COOH, HCOOH और H2CO3, ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, वीक एसिड के। फिर वीक बेस की बात करें, तो वीक बेस के अंदर देखिए, वीक बेस में आ जाएगा हमारे पास NH4OH। ठीक है, ये जब आयनाइज होगा इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, एक्वस आयनाइज होगा, क्या देगा, NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, NH4 प्लस आयन मिला और OH आयन मिला। सेम कंडीशन, मैंने लिया 100 मॉलिक्यूल्स, जब आयनाइज होगा तो मुझे NH4 मिला, सीधा इसको लिखते हैं, OH आयन मिला मुझे 60 या 70 मान लीजिए, 70 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने लिया कितना 100 और मुझे मिला कितना 70 मॉलिक्यूल्स। तो क्या पूरा मिला, नहीं मिला, कुछ पार्ट है वो इसका आयनाइज हुआ और कुछ पार्ट है वो आयनाइज नहीं हुआ। इसका मतलब ये कैसा बेस हो गया, वीक इस बेस की स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस हो गया। ठीक है, तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वीक। तो ये होगी फर्स्ट थ्योरी आरएनएस की थ्योरी। अब आरएनएस ने वापिस से देखो क्या कहा कि जो सब्सटेंस एच प्लस आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड, और जो सब्सटेंस OH माइनस आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये आरएनएस ने कह दिया। लेकिन जब बाद में इसको डिस्कस किया गया पूरा, तो पता चला कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयन देते ही नहीं है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयन नहीं देते, लेकिन फिर भी वो बेस होते हैं, फिर भी वो क्या होता है, बेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एसिड से मिलती है या फिर बेस से मिलती है। तो उसको ये जो थ्योरी है आरएनएस की थ्योरी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो सेकंड साइंटिस्ट आए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी है वो टू साइंटिस्ट है, एक का नाम है ब्रॉन्स्टेड और एक का नाम है लोरी। तो इन्होंने नया कंसेप्ट बताया कि जो H+ को डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे और जो H+ को रिसीव करेंगे वो क्या होंगे, बेस। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रॉन्स्टेड लोरी के अंदर और आरएनएस की थ्योरी के अंदर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और ब्रॉन्स्टेड लोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कांसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड, एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन रिसीवर,
कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को रिसीव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। अब बात करें प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन जो हम H+ बोल रहे हैं, इसको हमने क्या बोला था? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, उसी को ब्रॉन्स्टन ने लोरी ने क्या बोल दिया? प्रोटॉन। क्या बोला? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन आता है फर्स्ट नंबर पर। हमने एलिमेंट बताया था मैंने आपको, 30 एलिमेंट आपको याद करना है, जिसमें सबसे पहले कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन आता है, इसका मतलब इसका जो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन होगा एक, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक, ठीक है? इसके अंदर वन प्रोटॉन है और वन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने क्या किया, जो हाइड्रोजन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो अब मेरे पास क्या बच गया? H प्लस। प्लस क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, ठीक है? तो पीछे क्या चार्ज बच गया? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इसके पास और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल क्या है? प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी बाहर निकल गया, तो इसके पास कोई भी अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्या बच गया पीछे इसके पास? प्रोटॉन। तो इसलिए इसको H+ को क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। इसलिए H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, ठीक है? तो वहां पर जो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने जो वर्ड यूज किया है हाइड्रोजन आयन की जगह, उसने क्या वर्ड यूज किया है? प्रोटॉन। कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन को रिसीव करेगा वो बेस होगा। ये इसका थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की। दो साइंटिस्ट से ध्यान रखना, एक ब्रॉन्स्टेड है, एक लोरी है, अलग अलग है दोनों। तो देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। H+ ध्यान रखना प्रोटॉन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एग्जांपल की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मान लीजिए उसका फॉर्मूला है, वो है HA। कुछ भी ले सकते हैं आप, HB, HC, HP, HL, मैंने लिया है HA, ठीक है? और एक दूसरा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है B। ये A है, ये B है, ध्यान से समझिएगा। HA और ये B, ये दो कंपाउंड है। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करेंगे तो A ने क्या किया, इसके साथ ये H जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड ने क्या किया, इस H को बाहर निकाल दिया H+ की फॉर्म के अंदर, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसने इसको निकाला H+, आप यूं समझिए ये आयनाइज हो गया। आयनाइज हुआ तो ये क्या मिला, इसने ये अलग हो गया H+, और पीछे क्या बच गया? A। तो इस पर चार्ज क्या आएगा? माइनस के प्लस, माइनस, तो A माइनस, प्लस हमारे पास एक पहले से पड़ा हुआ है B, ठीक है? ये कंपाउंड है, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होंगे तो क्या मिलेगा? H+, पीछे बच गया A माइनस, और ये जैसा था वैसा ही रह गया B, ठीक है? अब क्या होगा, ये जो H+ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ? B के साथ। पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था? A से जुड़ा हुआ था, अब किसे जुड़ जाएगा? B से। तो B से जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? A माइनस ऐसा कैसा प्लस एच बी, ठीक है? एच बी। अब इन दोनों पर चार्ज, देखो इस पर चार्ज कुछ भी नहीं है और इस पर चार्ज प्लस है, तो टोटल चार्ज क्या आएगा हमारे पास? प्लस। तो एच बी प्लस, पहले था एच ए प्लस बी, अब हो गया ए माइनस प्लस एच बी प्लस, ठीक है? ये एक रिएक्शन है। अब बात करते हैं इसमें हुआ क्या। तो यहां पर देखो, इस वाले कंपाउंड ने क्या किया है, एच प्लस को डोनेट किया है। ध्यान से देखिए, इस वाले कंपाउंड ने क्या किया, इस H+ को डोनेट किया, ठीक है? तो H+ को डोनेट करने वाला क्या होगा, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ये कहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, प्रोटॉन मतलब H+, H+ को डोनेट किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड। क्लियर? फिर देखो, इस H+ को किसने रिसीव कर लिया, इसने,
इस एच प्लस को किसने रिसीव कर लिया? बी ने। तो बी क्या हो गया? प्रोटोन रिसीवर, यानी प्रोटोन एक्सेप्टर। तो जो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो बी क्या हो गया? बेस। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एच ए, इसने प्रोटोन डोनेट किया, इसका मतलब ये हो गया एसिड। इस वाले प्रोटोन को किसने ले लिया? बी ने ले लिया, क्या बन गया? एच बी प्लस। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोटोन एक्सेप्टर। प्रोटोन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? बेस। तो बी को हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, फिर यहां देखो, अब इस वाले को भूल जाओ, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। सीधा यहां पर आओ, इस वाले स्टेप पर आओ। हमारे पास प्रोडक्ट में एक ए माइनस है और एक एच बी प्लस है, ये दो प्रोडक्ट मिले हमें इस रिएक्शन से। मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सीधा प्रोडक्ट हमें क्या मिला? ए माइनस और एच बी प्लस। ठीक है, अब देखो, अगर रिएक्शन है वो रिवर्स जाती, अगर रिएक्शन है वो रिवर्स जाती है, तो क्या ये एच प्लस डोनेट कर सकता है कि रिसीव कर सकता है? ये एच प्लस रिसीव कर सकता है। एच प्लस अगर रिसीव करेगा तो क्या बनाएगा? वापिस एच ए बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर इसको मैं एच प्लस देता हूं तो ये क्या रिएक्शन करके एच ए बना सकता है? बना सकता है। तो जो एच प्लस को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलेंगे? यानी प्रोटोन को जो रिसीव करता है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो इस हिसाब से ये कौन हो गया? बेस। एक बार ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा ध्यान समझिए। ये एच प्लस को रिसीव करके वापिस क्या बना देगा? ये बना देगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस। ये क्या एच करता है? ये कंपाउंड एच प्लस को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास एच है, इसलिए एच प्लस को डोनेट कर सकता है। तो जो डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड की बेस, एसिड। तो ये क्या हो गया? एसिड। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है? एसिड। ये है एसिड, ये किसमें कन्वर्ट हुआ? कॉन्जुगेट बेस में। ये क्या है? बेस। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? कॉन्जुगेट एसिड में। ठीक है, इसलिए इसको, इसकी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर थ्योरी, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर थ्योरी। एसिड से क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। बेस से क्या बना? कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, क्यों बना? कॉन्जुगेट मतलब क्या हो रहा है कि ये वापिस इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये वापिस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। ये तो हो गया इसकी जनरल डेफिनेशन और जनरल इसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये समझ में आ गया? इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, एक तो एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और समझना आएगा आपको। जैसे मैंने ले लिया H2O प्लस NH3, ठीक है, H2O मतलब वाटर और NH3, NH3 मतलब होता है अमोनिया, इसका नाम क्या है? अमोनिया। ये मैंने दो कंपाउंड लिए, ये आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? देखिए, यहां पर जो वाटर है वो H प्लस भी डोनेट कर सकता है और OH माइनस भी डोनेट कर सकता है। ये वाटर की क्वालिटी होती है कि वाटर दोनों आयन डोनेट कर सकता है, H प्लस भी दे सकता है और OH माइनस भी दे सकता है। अब जो NH3 है, NH3 क्या देता है? उस हिसाब से वाटर है वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। ठीक है, अब NH3 H प्लस दे सकता है कि नहीं दे सकता, या OH माइनस दे सकता है कि नहीं दे सकता, उस हिसाब से वाटर है वो बिहेव करेगा। तो यहां पर होता क्या है कि NH3 है वो ना तो H प्लस दे सकता है और ना ही OH माइनस दे सकता है। ये क्या कर सकता है? केवल H प्लस को रिसीव कर सकता है, ना तो ये H प्लस देगा ना ही ये OH माइनस देगा।
क्या करेगा, एच प्लस को रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा इसलिए वाटर इसको क्या देगा, एच प्लस। तो वाटर ने एच प्लस डोनेट किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। वाटर के अंदर दो तरह के आयन है, एक है एच प्लस आयन और एक है OH माइनस आयन। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, एच टू, कितने एच है, टू एच, टू एच कितने हुआ है, ओ प्लस माइनस, आपस में कंबाइन हो गए क्या बन जाएगा, न्यूट्रल H2O। ठीक है, तो वाटर के अंदर टू टाइप्स के आयन है, एक है H+ और एक है OH-। तो यहां पर NH3 क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा, इस H+ को ले लेगा, तो ले लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4। 3 पहले से ही है, एक H और आ गया तो कितने H हो गए, 4H, तो NH4। चार्ज क्या आएगा, प्लस, यहां पर कुछ भी चार्ज नहीं है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस, तो ये बन गया NH4 प्लस, और पीछे क्या बच गया, ये OH माइनस। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन को आप इसे एसिड बेस समझते हैं कि एसिड कौन हुआ, बेस कौन हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। इन दोनों में प्रोटॉन किसने डोनेट किया है, H2O ने H+ दिया है कि NH3 ने H+ दिया है, H2O ने H+ दिया है। ठीक है, तो H2O यहां पर क्या हो गया, एसिड की बेस, एसिड, और जो H+ दिया वो किसने रिसीव कर लिया, NH3 ने। ठीक है, तो NH3 क्या हो गया, बेस। क्लियर, सिंपल है, H2O ने H+ दिया, उस H+ को किसने रिसीव कर लिया, NH3 ने, और किसमें कन्वर्ट हो गया, NH4+ में। अब यहां पर बात करें NH4+, अब NH4+ वापस से रिवर्स चलो, वापस से रिवर्स, NH4+ है, जब इसमें कन्वर्ट होगा NH3 में, तो क्या H+ लेगा कि देगा, रिसीव करेगा कि डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है, डोनेट करेगा, तभी तो 4 में से एक जाएगा, तभी तो 3 होंगे, है ना, 4 में से एक डोनेट करेगा तभी तो 3 होंगे, तो NH4 है वो डोनेट कर सकता है, डोनेट को क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये हो गया हमारा एसिड, और ये H+ डोनेट कर सकता है कि एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, रिसीव कर सकता है, तो ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, अब वापिस से थोड़ा सा डिफरेंस करना है तो आगे वर्ड क्या लगा देंगे, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड कन्वर्ट होगा कॉन्जुगेट बेस में, थोड़ा सा उल्टा चलेगा, देखो इधर एसिड है तो उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में, इधर बेस है तो इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल आपके दे रखा है, HCl वाला दे रखा है, ठीक है, तो इसको रफ करना पड़ेगा, वापिस से एग्जाम्पल सेम ही है, केवल थोड़े से प्रोडक्ट अलग बनेंगे। मैंने क्या लिया, वाटर लिया और उसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ, ठीक है, किसके साथ करा दी, HCl के साथ। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl, तो यहां पर H+ कौन डोनेट करेगा, HCl डोनेट करेगा, तो H+ डोनेट किसने किया, HCl ने, और ये कन्वर्ट हो गया Cl- में, क्यों, क्योंकि H+ इसने डोनेट कर दिया, उस H+ को कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा, और कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3O+। अब यहां पर इन दोनों में H+ किसने डोनेट किया, तो बोलेंगे इसने डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, एसिड। H+ लिया किसने, इसने लिया, ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब वापस से रिवर्स चलेंगे, तो ये H+ डोनेट कर सकता है कि रिसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है, तो रिसीव करने वालों को क्या बोलेंगे, बेस, और पीछे बच गया ये क्या हो जाएगा, एसिड, क्यों, क्योंकि H+ डोनेट कर सकता है, तो ये हो गया एसिड। डिफरेंस खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। वापिस से देखो, बेस इधर आके किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, बेस कन्वर्ट हुआ एसिड में, एसिड कन्वर्ट हुआ बेस में। क्लियर, बेस इधर आके कन्वर्ट हो गया एसिड में, एसिड इधर आके कन्वर्ट हो गया बेस में, नाम क्या रखेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस।
तो ये थी ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। अब यहां पर भी कुछ इसने इसकी कमियां रह गई, ठीक है, क्या कमियां रह गई कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो ना तो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं ना ही प्रोटॉन को रिसीव करते हैं, ठीक है। पहली इसने कमी मिटा दी कि जो H+ को डोनेट करेगा वो एसिड है और जो H+ को रिसीव करेगा वो बेस है। तो आरएनएस की थोड़ी सी थ्योरी को इसने एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया। फिर यहां पर इसके पास एक और कमी आ गई कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो H+ को डोनेट करते हैं ना ही H+ को रिसीव करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो एसिड और बेस से मिलती है, तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके लिए थर्ड साइंटिस्ट आया लुईस, ठीक है। तो लुईस कांसेप्ट क्या कहता है कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये वन इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो टू इलेक्ट्रॉन का जो यहां पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड, ये कहा था लुईस ने। तो अब थर्ड नंबर आ रहा है हमारा लुईस कंसेप्ट, थर्ड नंबर आ रही है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। इसमें H+ और OH- वाला फंडा नहीं है, क्या फंडा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड। एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है उसका नाम है BF3, ठीक है, BF3, इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा NH3 से, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। अब NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को हम डॉट से डोनेट करेंगे, एक डॉट मतलब वन इलेक्ट्रॉन, टू डॉट मतलब टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टू डॉट हो गए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब यहां पर ना तो इसके पास कोई H+ है ना ही इसके पास कोई H+ डोनेट करने वाला है, तो यहां पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा किसे, BF3 को। तो BF3 को जब डोनेट करेगा तो यहां पर हम लिखेंगे BF3 और ये NH3, इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा मैटर देख लीजिए कि BF3 और ये NH3, ये इसने क्या किया, इसको डोनेट कर दिया। अब यहां पर हम एरो का निशान बनाएंगे, ये एरो का निशान है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को, ये वाला एरो अलग है और ये वाला एरो अलग है, थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो BF3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर को, और NH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। तो NH3 क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट वाले को क्या बोलेंगे, एसिड की बेस, बेस, तो NH3 क्या हो गया, बेस, और ये रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड, क्लियर। तो ये हो गया इसके एग्जांपल। अब जनरली जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है तभी तो आप डोनेट करोगे, ठीक है। अगर आप खुद पर ही आपने लोन ले रखा है तो आप कैसे डोनेट करोगे, तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो डोनेट करेगा और जिसके पास पैसे की कमी है वो पैसा एक्सेप्ट करेगा। तो उस तरह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो डोनेट करेगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी वाली जो स्पीसीज है, जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, वो क्या होते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की
ज्यादा उसके पास अमाउंट होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, वो किस तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बात करेंगे, अब इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम सिंपल एसिड बेस नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, क्योंकि ये लुईस की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे लुईस एसिड एंड लुईस बेस से। तो बात करें कि किसको हम लुईस एसिड बोलेंगे और किसको हम लुईस बेस बोलेंगे। तो लुईस एसिड किसको बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो लुईस एसिड किसको बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो गया हमारे पास BF3, AlCl3, ठीक है, CH3+। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। और H+, ये आपके एग्जांपल है, वो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, तो वही एग्जांपल अपने को याद करना है। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला यहाँ पर, क्योंकि ये अगर याद हो गए वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर बात करें लुईस बेस, तो लुईस बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज, या आप कुछ भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल कह सकते हो, ठीक है, आपकी बुक के अंदर कई जगह स्पीसीज वर्ड यूज किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज, इसमें हो गया हमारे पास जैसे NH3 जो अभी यूज किया है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, या यूं बोले एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। H2O वाटर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 डॉट बनाया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 डॉट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। NH3 H2O Cl माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास है तभी डोनेट कर सकता है। इसी तरह हो गया हमारा OH-, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लुईस बेस के, और ये हो गए लुईस एसिड के एग्जाम्पल। तो ये हो गए हमारे तीनों थ्योरी, पहली आई थी आरएनियस थ्योरी, थोड़ा सा समअप कर देते हैं वीडियो को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया था, आरएनियस, उसने क्या कहा, जो H+ डोनेट करेगा एसिड है, जो OH- डोनेट करेगा बेस है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो H+ डोनेट तो कर सकती है लेकिन OH- डोनेट नहीं करती है, तो उसको ये आरएनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर उसके लिए थ्योरी दी गई ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, जो H+ यानी प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन को रिसीव करता है वो बेस होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो ना तो प्रोटॉन को डोनेट करती है ना ही प्रोटॉन को रिसीव करती है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस। इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है वो एसिड है। तो इस बेसिस पे उसने कुछ एग्जांपल बताए कि ये बेस की तरह बिहेव करता है और ये एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीनों थ्योरी। थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, फर्स्ट बार देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में पार्ट आए, कुछ समझ में वाला पार्ट ना आए, लेकिन 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट हो तो वो आप मुझे आस्क कर सकते हैं कमेंट के अंदर। तो ये हो गया आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि जो एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद उसके यूज की बात करेंगे और पीएच स्केल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।